Hello everyone and welcome back to the sessions on strategic financial management. दोस्तों CA final की इस SFM class में मैं आपके साथ एक छोटा सा but बड़ा ही important point discuss करना चाहता हूँ. That is with respect to amendment made in MSME Development Act 2006. तो ये क्या amendment आया और इसका impact आपकी exam में क्या आ सकता है? Let us first discuss that in a proper order. सबसे पहले तो कौन सा मैटर है जिसे अमेंड किया गया इस एक्ट में, पहले उसकी बात करें. एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, इस एक्ट में एमएसएमई यानी के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की क्लासिफिकेशन समझाई गई है. कहने का मतलब यह है कि कोई एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है या मीडियम एंटरप्राइज है या इनमें से कोई भी नहीं, इसे डिफाइन कैसे किया जाए, इसका क्राइटेरिया समझाया गया था, क्लासिफिकेशन समझाई गई थी. यह क्लासिफिकेशन थी इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी जो क्राइटेरिया रखा गया था दैट वाज इन्वेस्टमेंट बेस्ड. कहने का मतलब यह है कि आप अपने प्लांट एंड मशीनरी में, आप अपने इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे डिसाइड किया जाएगा कि आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं. और वो भी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अलग और सर्विस रेंडरिंग यूनिट्स के लिए अलग. इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया है, यहीं पर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है. इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया को हटाकर टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है. तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, पहले तो जो पुराना क्राइटेरिया था वो क्या था और जो नया क्लासिफिकेशन बेस समझाया गया है वो क्या है, हम दोनों ही स्क्रीन पर ध्यान देकर पहले समझ लेते हैं और फिर बात करेंगे कि इस अमेंडमेंट का आपके एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है. तो आपका ध्यान स्क्रीन पर. चलिए सबसे पहले देख लें पुराना इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसा रखा गया था. आपको मालूम होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए क्राइटेरिया अलग अलग थे. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बात ऐसी थी कि आपने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो कौन से एंटरप्राइजेस थे जिनको आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरह क्लासिफाई कर सकते थे. इनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 25 लाख. स्मॉल एंटरप्राइज में कौन आते थे, वो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से तो ज्यादा था बट इट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट रुपीज 5 करोड़ तक हो तब वो स्मॉल एंटरप्राइज में आते थे. एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन थे, वो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ से ज्यादा बट अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 करोड़. किसी एंटिटी का इन्वेस्टमेंट यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से भी ज्यादा हो तो वो एमएसएमई क्लासिफिकेशन में ही नहीं आएंगे, दे विल बी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एमएसएमई. बट ये स्क्रीन पर जो आपको क्लासिफिकेशन दिख रही है ये था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. आइए बात करते हैं सर्विस सेक्टर की. सर्विस सेक्टर के लिए जो बेस बताया गया था दैट वॉज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन, वो जिनका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट रुपीज 10 लाख से ज्यादा न जाए. दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 लाख. स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन, जिनका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट रुपीज 10 लाख से तो ज्यादा है बट अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 करोड़, यानी अपर लिमिट जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़. मीडियम एंटरप्राइजेस कौन, जिनका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 2 करोड़ से ज्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 5 करोड़. दोस्तों स्क्रीन पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये पुराना क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द न्यू टर्नओवर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई. यहां पर एंटरप्राइज का एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा, तो वो कौन से एंटरप्राइज होंगे जिनको आप अब इस अमेंडमेंट के बाद माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखेंगे. इनका
टर्नओवर यानी कि इनका एनुअल टर्नओवर रुपीज 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. The annual turnover should not exceed rupees 5 crores. Then they can be classified as micro enterprises. Small enterprises mein kaun? Wo jinka turnover 5 crores se to zyada ho, but maximum of rupees 75 crores. The turnover, the annual turnover does not exceed rupees 75 crores. Jinka turnover rupees 75 crores se zyada ho, wo obviously medium enterprises mein aayenge. जिनके लिए अपर लिमिट रखी गई है रुपीज 250 करोड़. तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या यह अमेंडमेंट आपके लिए रेलेवेंट है. द आंसर इज येस. ऑब्वियसली ये आपके लिए रेलेवेंट है, मैं इसीलिए तो इसे यहां पर डिस्कस कर रहा हूं. बट अनफॉर्चुनेटली आईसीएआई के किसी भी नोटिफिकेशन में इस अमेंडमेंट की बात नहीं की गई है अब तक. आरटीपी में और आईसीएआई की वेबसाइट में ये अमेंडमेंट की बात नहीं की गई. ये अमेंडमेंट आया था 2018 में, तो ऑब्वियसली नवंबर 2018 एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट नहीं था. बट जो एग्जाम मई या जून 2019 में होने जा रही है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस अमेंडमेंट. तो फ्रेंड्स, बिकॉज आईसीएआई ने अपने साइड से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बट आज एमएसएमई की वेबसाइट पर ये ऑलरेडी अपडेटेड है. तो आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम इन मई 2019 और ऑनवर्ड? आपके लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है कि आपको पुराने लिमिट्स भी याद होने चाहिए और आपको ये नए लिमिट्स भी याद कर लेने चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए, आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए. आपको बड़े क्लियरली अपने आंसर में पुराने लिमिट्स भी लिख देने चाहिए और न्यू लिमिट्स भी. तो फ्रेंड्स, ये जो नया क्राइटेरिया आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस रेंडर करने वाली एंटरप्राइजेस हो, सबके लिए कॉमन क्राइटेरिया है. मतलब अब इन्वेस्टमेंट की बात ही हटा दी गई है, सीधा सीधा देखा जाएगा कि किसी एंटरप्राइज का टर्नओवर कितना है. किसी भी एंटरप्राइज का टर्नओवर रुपीज 250 करोड़ से ज्यादा हुआ तो वो इन तीन में से किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आएंगी, वे लार्ज बिजनेस एंटिटीज के फॉर्म में जानी जाएंगी. सो फ्रेंड्स, इस सेशन में सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.